भारत के सभी रिटेल व्यापारी, चाहे आप किराने के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे कपड़ों के सेक्टर से जुड़े हैं, या कि फिर आप मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, या कोई भी और ज़्यादा किसी दूसरे तरीके के रिटेल कारोबार से जुड़े हैं, आज भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी कंपनियों का ऑनलाइन व्यापार स्थापित हो चुका है, जिसमें अमेजोन से लेके, फ्लिपकार्ट से लेके, मिंत्रा से लेके, जबंग जैसे और साथ में अलीबाबा जैसे कई बड़े बड़े विदेशी मल्टीनेशनल्स आ चुके हैं, और ऑफलाइन में भी बड़े बड़े वॉलमार्ट जैसे, बेस्ट प्राइस जैसे स्टोर खोल चुके हैं, जिससे देश का और आप सभी व्यापारियों का एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। जो सामान आज आप सब लोगों से खरीदते थे, चाहे मोबाइल हो, चाहे कपड़े हो, या कि फिर कोई भी आपके जनरल आइटम हो, या कि फिर किराने के ग्रोसरी के सारे आइटम हो, आज ग्रोसरी के भी आइटम ऑनलाइन से बड़े बड़े, जिसमें साथ विदेशी कंपनियों का बड़ा बड़ा वेंचर्स खड़ा हुआ है, चाहे वो बिग बास्केट जैसे, या कि फिर और भी कई जैसे कंपनियाँ हो, इन सारी कंपनियों के द्वारा आज एक बड़े तरीके से देश का पैसा बाहर जा रहा है, और हमारे जितने आप छोटे व्यापारी हैं सबका आज भारत में लाखों मोबाइल दुकानें बंद हो चुकी है, लाखों कपड़े दुकानें बंद हो रही हैं, और लाखों की संख्या में किराने दुकानें बंद हो रही हैं बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि सारा कारोबार ऑनलाइन में स्थापित हो चुका है। बहुत तत्काल में आप लोगों को एक निर्णय लेने की ज़रूरत है, आप लोगों को अपने व्यापार को तुरंत में बदलने और चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये पूरे तरीके से कब्जे केवल और केवल पूरी मोनोपोली के तौर पे केवल कुछ बड़े बड़े लोगों के पास में, उनके अधिकारों में चले जाएंगे, जिससे आप सबके एक आर्थिक नुकसान तो होगा और देश का एक आर्थिक बड़ा नुकसान होगा, और देश में भयंकर बेरोजगारी आ चुकी है और भयंकर बेरोजगारी आने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग ही हैं जो, आप लोग सैकड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, आप अपने पास कई कर्मचारी रख करके उनको रोजगार देते थे, आज सबको आप लोगों को धीरे धीरे, इन कोरोना काल में भी भयंकर नुकसान हुआ, कोरोना काल में भी एक आर्थिक केंद्रीकरण हो गया बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में, जिससे आज देश की बड़ी इकोनॉमी का लॉस हुआ है। तो मैं समस्त व्यापारी भाइयों से कहूँगा कि आप भी अपने व्यापार को कोशिश करो कि किसी तरीके से ऑनलाइन में कर सकें, और मैं आप सभी व्यापारी भाइयों से आज विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस देश को बचाने में आपका भी अपना योगदान करें, स्वदेशी उत्पादों को आप बढ़ावा दें, क्योंकि देखिए ये आम जनता है, आम जनता को नहीं पता कि ये साबुन लक्स लाइफबॉय हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, जो कि इंग्लैंड की कंपनी का है, इन लोगों को नहीं पता कि ये कोका कोला, पेप्सी ये अमेरिका की है, ये नेस्ले और ये सब मैगी वगैरह बहुत सारे दूसरे देशों का है, जिससे देश का नुकसान होता है, लेकिन आप जानते हैं कि ये किस कंपनी का है। तो समस्त मैं अपने देश के व्यापारी भाइयों से अपील करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। आज हम श्री चवन में बहुत सारे उत्पाद इस देश के लिए बनाए हैं, तो उसे भी आग्रह करते हैं कि आप उन उत्पादों को अपने दुकानों में स्थान देवें और उनको लोगों को कोशिश करें दें कि स्वदेशी उत्पाद, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां आपको मार्जिन भी कम देती है और ये सारे मार्जिन्स को अपने देश में लेके जाते हैं, क्योंकि इनको अपना देश में प्रॉफिट भी ले जाना है, तो हमारे देश की स्वदेशी कंपनियों का ज़्यादा से ज़्यादा स्थान दें। तो श्री चवन को भी अपने रिटेल स्टोर, अगर किराने कारोबार से आप जुड़े हैं तो उसमें स्थान दें। और मैं समस्त व्यापारी भाइयों से कहूँगा कि आप यदि अपने व्यापार को, चाहे आप कपड़े के व्यापार पर हैं, किराने के व्यापार पर हैं, या मोबाइल के व्यापार पर हैं, या कोई भी रिटेल कारोबार से आप अगर जुड़े हैं, तो मैंने आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है, हमने एक AD5 सुपर बाजार करके एक ये मोबाइल ऐप बनाया है, एप्लीकेशन बनाया है, इसमें हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आप अपने सारे उत्पाद को, चाहे जो भी वो कपड़े हो, टी शर्ट्स हो, जो भी है, चाहे मोबाइल हो, जो कुछ भी आप रिटेल कारोबार कर रहे हैं, चाहे किराने का हो या सोफा का हो, जो भी हो, तो आप अपने सामानों को ऑनलाइन यहाँ रजिस्टर कर दो, और आप अपने शहर में लोगों को ऑनलाइन में ही अगर सामान चाहिए तो हम लोगों को ऑनलाइन में देने के लिए व्यवस्था बनाए हैं, हमने इसके लिए आपसे कोई बहुत शुल्क का नहीं रखा है, ये हमने रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए पूरी तरह फ्री रखा है, और जब आप इसको सेल करेंगे तो हमारी एक संचालन के लिए छोटा सा 2% से लेके 5-10% का छोटा सा आपसे सहयोग कमीशन के तौर पे, जो आप हमारे पूरे इस ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारे सॉफ्टवेयर्स को, टीम को, मैनेजमेंट को, प्रचार प्रसार के लिए आप थोड़ा सा सहयोग के तौर पे, अपने कमीशन के तौर पे ही बस हम आपसे लेंगे, बाकी पूरी तरह से आप अपने कारोबार को आपके शहर में ऑनलाइन करो, नहीं तो आपके शहर में विदेशी कंपनियां चाइना से माल ला करके, विदेशों से माल ला करके सीधा डंप करके
आपके शहर में पहुंचा रहे हैं और आपके कपड़े की दुकान नहीं चल रहा है, आपके मोबाइल की दुकान नहीं चल रही है, आपका जो है किराने का आइटम नहीं चल रहा है, आपका जो है कोई भी ऑनलाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, तो उसके कारण से सारा व्यापार बड़ी मात्रा में ऑनलाइन जा रहा है। तो मैं समस्त व्यापारी भाइयों से अपील करूंगा कि आप आज ही AD5 सुपर बाज़ार के इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लोगों को बताइए कि उनको ऑनलाइन में चाहिए तो आपसे ख़रीदें, वो बटन क्लिक करेंगे, ऑर्डर सब आपके हाथ में आएगा, बस आप एक लड़का रख लीजिए और लोगों को सबके घरों में आप पहुँचा दीजिए, जिससे आपका व्यापार सुरक्षित रहेगा। ऑफलाइन में भी आप करिए और ऑनलाइन में भी करिए, नहीं तो ये सारी ऑनलाइन में लोग सामान आपके गांव के आपके शहर में पहुंचाने लग गए हैं, जिससे आपका बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैं समस्त व्यापारी भाइयों से कहूंगा कि स्वदेशी इस मोबाइल ऐप को भी बढ़ावा दें, स्वदेशी उत्पाद श्री चवन को भी अपने दुकान में स्थान दें और बढ़ावा दें। हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके साथ आ चुके हैं और अगर आप भी स्वदेशी उत्पादों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे श्री चवन उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूटर सिप लेकर के भी आप स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में, हमारे इस देश के आर्थिक नुकसान को रोकने में अपना योगदान करें। ये मैं आप सब लोगों से विनम्र अपील, विनम्र निवेदन करने के लिए आया हुआ था। आप सबको मेरा प्रणाम और आप सब से आशा रखते हैं, आप सबों से उम्मीद रखते हैं कि आपकी सफलता की चिंता हमें भी है, ताकि आपका व्यापार बच सके, इसीलिए हमने ये ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए हैं, ताकि आप इस एप्लीकेशन से जुड़ें और जुड़ करके अपने व्यापार को ऑनलाइन में लोगों के पास सामान पहुँचाएँ, ताकि ये सामान आपके द्वारा बिके और आपको मुनाफा हो और ये विदेशी कंपनियाँ अपने पास मुनाफा ना ले जा सके, इसलिए एक छोटा सा प्रयास किया है। और इस प्रयास को जन जन तक पहुँचाने में सभी लोगों को, आप भी लोगों को पहुँचाएँ और वो लोग भी इस ऐप को इस्तेमाल करके अपने आप स्वदेशी उत्पादों को आपके पास से या जो भी आप उत्पाद बेच रहे हैं उन सारे उत्पादों को लोग आपसे खरीद सकें, इस तरीके के हमारे इस विनम्र अपील को ज़रूर स्वीकार करें।